हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी इमोशनल होने के साथ साथ मोटिवेटिंग भी है। तो मूवी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसे मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है और इसीलिए हम उस लड़के को बॉय कहकर बुलाएंगे। बॉय असल में एक गार्डनर एस्ट्रोनॉट है जो अपने स्पेस शिप में अलग अलग प्लांट्स उगा रहा है। तभी अचानक वहाँ एक अलार्म बजने लगता है और बॉय देखता है कि एक एस्ट्रॉइड सीधा उसी के शिप की ओर आ रहा है। वो इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर पाता और एस्ट्रॉइड से टकरा कर उसका शिप क्रैश हो जाता है। पता चलता है कि वो एक अनजान प्लेनेट पर आ गया है जहाँ लाइफ का नामो निशान नहीं है और वहाँ की धरती भी एकदम बंजर है। वो अपने डिवाइस से अर्थ को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता और उसका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। उसे ये देखकर बहुत निराशा होती है कि अब भला वो वापस कैसे जा पाएगा, और गुस्से में वो एक स्टोन को किक करता है, लेकिन वो स्टोन उल्टा वापस उसी से आ टकराता है। बॉय गुस्से में एक बार फिर उसे उठाकर फेंकता है, लेकिन इस छोटे प्लेनेट की ग्रेविटी के कारण स्टोन घूमकर वापस उसी के पास आ जाता है। आगे हम उसे वहाँ एक प्लांट लगाते हुए देखते हैं, जो असल में एक मैंगो ट्री है और उसे उम्मीद है कि इससे वो अपने लिए यहाँ खाना उगा सकता है, लेकिन बंजर जमीन होने के कारण जल्दी ही वो प्लांट सूख जाता है और बॉय की सारी उम्मीद टूट जाती है। वो समझ जाता है कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, और तभी वो सामने से आते एक दूसरे स्पेसशिप को देखता है जो ना जाने कहाँ से आकर उसके प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। बॉय को कुछ समझ नहीं आता और क्यूरियस होकर वो उस शिप को चेक करने जाता है, जो देखने में किसी एलियन शिप के जैसा है। यहाँ उसे पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं और उनका पीछा करते हुए वो वापस अपने स्पेसशिप के पास आ जाता है। यहाँ वो अपने प्लांट के प्रोटेक्टिव ग्लास को देखता है जो लुढ़कता हुआ सीधा उसी की ओर आ रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो अपने मैंगो ट्री को तेजी से बढ़ता हुआ देखता है, जिसके पास पिंक बालों वाली एक लड़की खड़ी हुई है। हैरान होकर वो उसके और करीब जाता है और देखता है कि वो लड़की अपनी पावर से ट्री में जान डाल रही है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और तभी वो एलियन लड़की पलटकर उसी की ओर देखती है, जिसके फीचर्स काफी हद तक इंसानों से मिलते हैं, और वो बॉय को देखते ही ब्लश करने लगती है। तो बॉय की तरह इस लड़की का भी कोई नाम नहीं है, तो हम इसे ब्लश ही कहकर बुलाएंगे। बॉय खुद भी इतनी सुंदर लड़की को देखकर बहुत हैरान था और शर्माते हुए उसे ग्रीट करता है। ब्लश भी उसे गौर से देखने उसके करीब आ जाती है और फिर अचानक भागकर उसके स्पेसशिप में चली जाती है। वो बॉय को अंदर से उसके प्लांट्स लाकर देती है और वो उन्हें उस प्लेनेट की जमीन पर लगाने लगते हैं। बॉय देखता है कि ब्लश की ओर से वो प्लांट तेजी से बढ़ रहे हैं, और तभी अचानक ब्लश गलती से उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसा लगता है जैसे उनके बीच एक केमिस्ट्री शुरू हो गई है। तभी ऑक्सीजन खत्म होने से बॉय के हेलमेट में फॉग जम जाती है और ब्लश ये देखकर उसके हेलमेट को रिमूव कर देती है। बॉय सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन देखता है कि ब्लश एक बार फिर अपनी पावर्स का यूज कर रही है और इससे उस प्लेनेट पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिसमें वो आराम से सांस ले सकता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहां बॉय ब्लश से मिलने उसके स्पेसशिप में जाता है और वो देखती है कि उसने हाथ में एक मैंगो पकड़ा हुआ है। फाइनली उनका ट्री अब फ्रूट देने लगा था और बॉय चाहता था कि ब्लश उसे एक बार ट्राई करके देखे। वो उसे मैंगो खाने का तरीका सिखाता है और हम देखते हैं कि ब्लश को भी मैंगो का टेस्ट बहुत पसंद आया है। इसी तरह उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगते हैं। इतना वक्त साथ बिताने के बाद भी बॉय उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन ब्लश अब और वेट नहीं करना चाहती थी और भागकर बॉय को किस कर लेती है। जल्दी ही वो लोग अपने शिप्स को जोड़कर एक घर बना लेते हैं और पता चलता है कि उनके यहाँ एक नई मेहमान भी आ गई है। जल्दी ही वो तीन से चार हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह उनकी बेटियाँ भी मैंगो को बहुत पसंद करती हैं। बॉय अपनी लाइफ से बहुत खुश होता है कि अर्थ से इतनी दूर भी उसे एक फैमिली मिल गई है, और वो इसके हर पल को अच्छे से एंजॉय करने लगता है। फिर एक दिन उसकी नज़र ब्लश के हाथों पर जाती है, जिस पर कुछ ब्लैक से निशान उभर आए हैं, और ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। ब्लश अब पहले जितनी एक्टिव नहीं रह पाती और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। बॉय उसकी बहुत केयर करता है और ब्लश भी अपनी बेटियों के सामने नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अंदर से वो दोनों ही जानते हैं कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और ये सोचकर बॉय को बहुत दुख होता है। ब्लश की तबीयत के साथ साथ प्लेनेट की हालत भी बिगड़ने लगती है और वो पहले की तरह बेजान होने लगता है। उनका मैंगो ट्री भी पूरी तरह सूख जाता है, क्योंकि अब ब्लश उसे अपनी पावर नहीं दे सकती, और फिर फाइनली वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। बॉय आखिरी बार उसे हग करता है और देखता है कि वो एनर्जी में बदलकर स्पेस में गायब हो गई है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है
और हम उसे सुबक सुबक कर रोते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि अब ब्लश की पावर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। उसे लगता है कि शायद उसका भी आखिरी वक्त आ गया है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर अचानक कुछ देर बाद वो होश में आता है और देखता है कि उसकी बेटियां उसे लिपट कर रो रही हैं, जिनमें से ठीक वैसा ही ओरा निकल रहा है जैसा कि ब्लश के पास था, और बॉय भी रोते हुए उन्हें गले से लगा लेता है। पता चलता है कि उसकी बेटियों का ओरा भी एकदम मैजिकल है, जिससे मैंगो ट्री में फिर से जान आ गई है और वो प्लेनेट भी पहले की तरह हरा भरा हो गया है। बॉय अपनी बेटियों के साथ लाइफ को फिर से जीने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके साथ साथ उसकी बेटियों की लाइफ भी जुड़ी हुई है। कुछ दिन बाद उन्हें एक एलियन पेट मिलता है और वो उसका नाम मैंगो रख देते हैं। इसी तरह उनकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी, और तभी एक दिन वो एक दूसरे स्पेसशिप को वहाँ क्रैश होते हुए देखते हैं। वो सब भागकर उसे चेक करने जाते हैं और हम देखते हैं कि बॉय एक बार फिर ब्लश करने लगा है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी असल में एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो इस मूवी के डायरेक्टर ने अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।